फ्रेंड्स, रॉकेट कमाल का चीज होता है। रॉकेट की मदद से हम लोग बाहरी दुनिया के बारे में जान पाते हैं। आज हम लोग रॉकेट साइंस का कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह है ऑर्डिनरी रॉकेट जो पटाखे की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका थ्रस्ट माप करके देखते हैं यह उड़ जाएगा या नहीं। इसको मापने के लिए मैं सिंपली वेइंग मशीन का यूज करूंगा। तो चलिए इसे मापते हैं। रॉकेट को वेइंग मशीन पर उल्टा रखने के लिए मैं इस तरह का स्टैंड बना लिया हूँ। इस रॉकेट में लगा हुआ रहता है एक पटाखा ऊपर, तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इस रॉकेट का ही वेट मेजर कर लेते हैं। यह रॉकेट मात्र 0.017 ग्राम का है। तो चलिए अब इस पर स्टैंड रख करके और इसका थ्रस्ट चेक करते हैं। इसको मैं जीरो कर दे रहा हूँ, अभी जीरो हो चुका है, 0.017 है, इसको भी मैं जीरो कर दे रहा हूँ। चलिए अब इसमें आग लगाते हैं और फिर देखते हैं इसका थ्रस्ट कितना है। वो इसका थ्रस्ट 300 ग्राम के आसपास चला गया था और इस रॉकेट का वजन है मात्र 17 ग्राम। फ्रेंड्स, रॉकेट में रॉकेट का नोजल बहुत ही काम का चीज होता है। यह रॉकेट के थ्रस्ट बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए इस रॉकेट के नोजल को कुछ छेड़छाड़ करके और फिर देखते हैं इसका क्या थ्रस्ट रह रहा है। मैं इसका सबसे पहले पटाखा निकाल दे रहा हूँ इसमें से। यह है इसका पटाखा। यहाँ पर देख सकते हैं इस रॉकेट के नोजल का मैकेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है। मैं इसको खींच कर बढ़ा दे रहा हूँ। इसमें इस बार इस नोजल का होल बड़ा हो चुका है। तो चलिए इसका थ्रस्ट मापते हैं अब। चलिए अब इसमें आग लगाते हैं। इस बार इस रॉकेट का थ्रस्ट लगभग 100 ग्राम के आसपास गया था। यह रॉकेट उड़ता भी तो बहुत नजदीक उड़ता, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता। यह है बैलून रॉकेट। इसको जब ऊपर छोड़ा जाता है तो यह रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। अब मैं इसी तरह के 3 बैलून का यूज करके डबल स्टेज रॉकेट बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारा डबल स्टेज रॉकेट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। यह डबल स्टेज रॉकेट के जैसा ही कुछ देर उड़ने के बाद इसका कुछ पार्ट अलग हो जाएगा। चलिए इसे उड़ाते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने, यह डबल स्टेज रॉकेट की तरह ही इसका 2 बलून पहले गिर गया कुछ देर बाद, फिर उसके बाद तीसरा वाला उड़ना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, रॉकेट के डायरेक्शन को जब स्पेस में चेंज करना रहता है तो रॉकेट के नोजल में कुछ मैकेनिज्म लगाया होता है जिससे उसके नोजल का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, तब रॉकेट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो चलिए इस रॉकेट के नोजल का भी डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर देखते हैं यह कैसे उड़ता है। इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा फैला देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के इसमें एक लकड़ी छोटा सा फंसा दे रहा हूँ। मैं इसको रबर बैंड से बांध दे रहा हूँ। देख सकते हैं इसका नोजल थोड़ा सा बेंड हो चुका है। चलिए देखते हैं अब यह कैसे उड़ता है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।